him. हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो जी मैं आपका अपना शहराजी। तो आज आप सोच रहे होंगे जी मैं कहाँ आया हूँ इतना तैयार शहर हो के। तो जी मैं आया था गांव से अपने मामू मतलब अपने नाना अबू का जो अबाई गांव है ना वहाँ पे आया था। बेसिकली नाना अबू मेरे जो हैं वो नारोवाल के पास ही एक गाँव है वहाँ से हैं। तो आज मैं वहाँ पर आया हूँ। वैसे उन्होंने सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी है और यहाँ पर प्रोग्राम बन गया हमारा जी मछलियाँ पकड़ने का। आपको मिलाता हूँ अपने मामू के साथ। तो मैं अभी बाइक से जस्ट उतरा ही था कि मैंने देखा यहाँ से ना वो जो भैंसें हैं वो सारी क्रॉस कर रही हैं ये सारा निज़ाम। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा निज़ाम। मैं भागता हुआ हूँ आया हूँ आके मैंने टेक शेक लिया। मैंने कहा आपको दिखाऊंगा। अगर आपको मज़ा आया है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते चंगी गल नहीं यार दबाया करो। लें जी ये लोकेशन है सारी। और ये रहे जी मेरे मामू। आपने इनके कपड़े जज नहीं करने क्योंकि पानी के अंदर जाना होता है तो वो काम वाले कपड़े ही पहन के आए हैं। मैं तो प्रौना आया था मैं तो सही कपड़े पाए थे नहीं तो मैं भी यही कपड़े पा के आना सी। खैर जी अभी मामू मेरे मामू बड़े हैं मामू सरफराज और छोटे मामू हैं कज़न्स आपस में मामू आसिफ। और आए थे जी मछलियाँ पकड़ने के लिए। प्रोग्राम इन्होंने बनाया था बाबा के साथ के बाबा आएँगे लेकिन मेरे बाबा का टाइम नहीं लगा तो फिर मुझे आना पड़ा। तो मामू कह रहे थे चलें जी आप हमारे साथ चलें तो मैं आ गया हूँ जी मामू लोग के साथ। और ये अभी जो है ना ये कांटों का गुच्छा है पूरा का पूरा। अब ये जो है ये मामू बीच में जा के इसको लगा के आएंगे चारे के तौर पे। तो मामू ने कपड़े चेंज कर लिए जो असली कपड़े थे वो ये पड़े हैं और मामू भी जाने लगे हैं अंदर। मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे दरिया पे आके मछलियाँ पकड़ने का। गांव में जो छोटे तालाब होते हैं वहाँ से तो हमने मछलियाँ वगैरह पकड़ी हैं लेकिन यहाँ का जो निज़ाम है वो ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट भी है। यहाँ पे पता नहीं होता कि छोटी मछली आनी है बड़ी मछली आनी है। वहाँ पे तो हमें पता होता है कि ये हाथ से बड़ी मछली नहीं आती वहाँ पे लेकिन यहाँ से कोई पता नहीं होता कि बंदे जितनी बड़ी मछली निकल आए या बाजू जितनी बड़ी निकल आए या छोटी निकल आए। तो इस वजह से ये जो फिशिंग है ना जो समंदर की फ़िशिंग है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ये देखें जी मामू लगा रहे हैं अभी चारा कांटों को और मामू बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो आप रस्सी देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी है वो वहाँ पे जाके स्टैंड है। चारा लगा लिया हमने इन सबको और ये देखें हमने उठाई हुई हैं इसलिए कि ये नीचे ना लगें। और मामू जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे हमने इनको लगाना है। फ्लो देख सकते हैं पानी का बहुत ज़्यादा है। और मामू अभी जाएंगे अंदर इसके और इसको बीच में लगा के आएंगे। चलें जी चलें जी चलें जी चलें जी बिस्मिल्लाह जी मामू चला गए जी अंदर। और वो लगा दिया जी मामू ने उसके अंदर दसा दिया उसे ठीक है। और मैं यहाँ पे दूर खड़ा होकर देख रहा हूँ सिर्फ कैसे पकड़ी जाती है मछली। उधर बांध आया मामू और इधर मेरे हाथ में जो साइड थी उसे बांध रहे हैं जी इस डंडे के साथ।
और अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के जी जाने लगे हैं पानी के अंदर। बहुत तेज़ फ्लो है पानी का, और ये देखें कांटे जी, सारे कांटे इसके अंदर डूबेंगे। और वो मामू काफ़ी अंदर पहुंच गए हैं, और पानी देखें फ्लो कितना ज़्यादा है। पानी का फ्लो तेज़ है जिसकी वजह से वो ठहर नहीं रही वहाँ पे ना, उसको जगह चेंज कर करके मामू देख रहे हैं कि अच्छे से जो है ना वो कांटा बीच में दब जाए। देखें जी अभी मामू, दूसरे मामू पहुंच गए हैं पास जी, मामू आसफ। अभी जी मामू सारे कांटे चेक कर रहे हैं किस किस को चारा लगा हुआ है, और ये हम ऐसे ही लगा कर सारी रात के लिए यहाँ छोड़ जाएंगे, और फिर सुबह इंशाल्लाह वापस आके देखेंगे कि इसके साथ क्या क्या लगा है। ये जो हमने भी कांटे लगाए हैं ना एक साथ को 20-25 इकट्ठे, इसे पंजाबी में कहते हैं जी लंग, तो वो लगाई है। अभी इसके अलावा जो और दूसरे कांटे हैं वो उधर पड़े हुए हैं जहाँ पे हमारा स्टॉप है, जहाँ पे हमने आके ये अपनी चीज़ें वगैरह अनबॉक्स की थी। यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा खामोशी है, आप सिर्फ़ इंजॉय करें यहाँ की खामोशी और यहाँ के व्यूज़। ये 30 सेकंड की वीडियो जो है ये सिर्फ़ फ़ील के लिए है, आप इसे फ़ील कीजिए। वहाँ पे जी डंडा लगा दिया, और डंडे के बिल्कुल साथ ही कांटा लगा के उसको उसी के साथ बांध के और धागा आगे छोड़ देते हैं। भी ऐसे ही करके मामू सारी अपनी जो कांटे ले के गए हैं अंदर वो वहाँ पे लगाएंगे, और जो है फिर बाहर आएंगे। और शाम हो चुकी है जी और कांटे लगाए हुए हैं, हम इधर कर रहे हैं जी वेट, और वेट करते करते दुआ कीजिए कोई मछली लग जाए, तो बैठे हुए हैं। बाकी जैसा ही कुछ हलचल होती है तो आपको अपडेट कर देंगे साथ ही। लें जी काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें जी कुछ मछली का पता लगा है, और यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी मामू ने, वाह ये देखें जी, और ये मली मछली है जी माशाल्लाह, सींग, क्या बात है क्या बात, ले आओ मामू बाहर ले आओ माशाल्लाह। ये जी हमारा आज का पहला शिकार बिल्कुल दिन डूबने के बाद हमें मिला है, और ये देखें अच्छा खासा साइज़ है। अच्छा जी मामू लोग ने कर लिए हैं जी अपने कपड़े वगैरह चेंज, और दोबारा से अपना जो दूसरे वाले सूट थे वो पहन लिए, और रात का अंधेरा छाने लग गया है। अभी हम चलते हैं जी घर वापस, और जो हमने यहाँ पे कुंडियाँ वगैरह लगाई हैं वो हम सुबह 5 बजे
या 4:30 बजे आके इनको निकालेंगे और देखेंगे क्या बनता है। लेकिन जो अभी हमने निकाली है मछली, वो हमारा मूड ही यही था कि हम लगा के शाम को वापस चला जाएंगे। अभी सीन ये है कि चलते हैं वापस घर और मिलते हैं आपको सुबह। The next day. अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर जी मेरी तरफ से आप सबको। और हम आ चुके हैं दोबारा सुबह सुबह नमाज पढ़ने के बाद। हम जी सारी जो टीम है मेरे साथ, मेरे दो कज़न्स भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो कल इनको पता नहीं लगा था कि मैं आया हुआ हूँ, तो इसलिए मैं अकेला था मामू लोग के साथ। और आज ही मेरे साथ कज़न्स मेरे और मामू, जो कल हम लगा के गए थे कुंडियाँ वगैरह, उन्हें चेक करने के लिए आए हुए हैं। और ये सारी फौजी जा रही है साथ साथ। अभी निकालते हैं बाहर, दुआ कीजिए, सुबह सुबह का टाइम है, अल्लाह पाक की ज़ात हमें अच्छा शिकार प्रोवाइड करे। और माशाल्लाह एक मछली तो रात को हम पकड़ के ले गए थे। और अभी मामू इधर बातें वगैरह कर रहे हैं। मीट माय कज़न, हम इसे प्यार से शामी कहते हैं। असली नाम क्या है तेरा? एहतिशाम असली नाम है, लेकिन हम प्यार से शामी कहते हैं। और ये रहा हमजा चूचा, ये हमारा सही कज़न है, छोटा कज़न है। ये जी जो हम कल के डंडे लगा गए हुए हैं, वो सारे के सारे अभी तक इधर ही हैं। इस वाली को मछली लगी हुई है, ये देखें आप पीछे पीछे मामू साथ मछली लेके आ रहे हैं। और चले नहीं, कोई मसला नहीं, छोटी है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। माशाल्लाह जी मामू आ गए हैं सीधे बाहर। और ये देखें पता नहीं कौन सी मछली है, जो रात को पकड़ी थी वही नस्ल है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, और साइज भी वही है। ठीक हो गए मामू जी, ज़बरदस्त। चलो भाई हम जाको साथ एज ए हेल्पर लेके आए हुए हम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी अच्छी मछली, अच्छी खासी मछली है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी मामू आसफ ने ये वाली मछली पकड़ी है और काफ़ी बड़ी है। मामू के बाजू, मामू तेनु करो जरा खड़ी करे। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा साइज है इसका, क्या बात है। हाँ माशाल्लाह जी, आज का सबसे बड़ा शिकार है जी ये। हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माशाल्लाह, चल चूचे इसे उठा जरा, उठा ये ऐसे, ये देखें जी जिंदाबाद। माशाल्लाह जी हमने एक और मछली पकड़ ली है, जो कि मामू सरफराज हम अभी अभी देख गए हैं बाहर। मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था लेकिन वीडियो बनी है लेकिन नहीं। और एक और मछली जो है वो मामू लेके आ रहे हैं जी बाहर। माशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं, ये है जी देसी खग्गा। और मामू फिर से जो है ना एक और मछली के साथ वापसी करते हुए। हैव यू डी, माशाल्लाह देसी खग्गा भी है ना। ये देखें जी ये भी सेम उसी की नस्ल का, और मामू ने ये भी पकड़ लिया। माशाल्लाह जी 5 से 6 हमने कांटे निकाले हैं, और जिनमें से हमने 3 मछलियाँ पकड़ ली। और मामू आसिफ भी साथ साथ निकाल रहे हैं जी अपना चारे। हम जाके किन्ने किलो दी है, हैं? किलो दी है, 1 किलो की मछली है जी। और कितनी मछली हो गई, 4 मछलियाँ पकड़ ली हैं जी, 4 मछलियाँ हो गई हैं जी हमारे पास। ये था आज का छोटा सा व्लॉग, छोटा तो नहीं, काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो जो हमारे मुकद्दर में था वो हमने पाया अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमने मछलियाँ 5 से 6 पकड़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आपको दिखाते हैं, और अच्छा शिकार हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग का मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।